So hey guys, this is Shivanshu Pandey and you are watching Study Streaks. अब किसकी बात करते हैं, अब हम बात कर रहे थे अपने पास यहाँ पर जो पहला साइंटिस्ट जो आया था अपने पास यहाँ पर इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, वो आया था डॉबिनियर अपने पास यहाँ पर। कौन सा पहला साइंटिस्ट था? डॉबिनियर अपने पास आया था। सबसे पहले उसने चालू किया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना अपने पास यहाँ पर। तो देखते हैं अपने पास यहाँ पर इसने एलिमेंट्स को पहले कैसे क्लासिफाइड किया, कैसे इसने खुद का टेबल बनाया अपने पास यहाँ पर, और क्या उसके डीमेरिट थे, क्या मेरिट थे अपने पास यहाँ पर, उसी को अपन यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर डॉबिनियर ट्रेड्स के अंदर। एक्चुअल में जो डॉबिनियर है वो साइंटिस्ट का नाम है, और जो अपने पास इसी के साथ हम लिखते हैं अपने पास यहाँ पर क्या ट्रेड्स लिखते हैं अपने पास यहाँ पर डॉबिनियर ट्रेड लिखते हैं अपने पास यहाँ पर, जो कि बुक में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। मैंने बोला ना कि साइंस क्या रहता है, आपको डराएगा अपने पास यहाँ पर, जो है वो बताएगा नहीं, थोड़ा आपको डरा के देगा अपने पास यहाँ पर, बस वही चीज है अपने पास यहाँ पर डॉबिनियर। उसके अंदर साइंटिस्ट जो थे उनका नाम है, और जो अपने पास यहाँ पर ट्रेड की बात करें, ठीक है, और जो मेरे पास यहाँ पर ट्रेड दिया अपने पास यहाँ पर, देखेंगे ट्रेड का मतलब क्या, क्यों उसको लगाया अपने पास उस साइंटिस्ट के नाम के आगे अपने पास यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली पहले मैं अपने भाषा में इसको समझाता हूँ कि ये कैसे होगा, समझेंगे अपने भाषा में, फिर इसी चीज को जो साइंस है अपने पास यहाँ पर थोड़ा अपनी इंग्लिश में जोड़ के अच्छे से लिखता है उसको अपने पास यहाँ पर। देखिए जो डॉबिनियर था अपने पास यहाँ पर, इसने क्या किया अपने पास यहाँ पर, अपने पास इसने क्या बोला कि ही सजेस्टेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर रिलेटेड टू द एटॉमिक मासेस। ये मैंने तो मैं अपने साथ पर नॉर्मल बता दिया। इसका मतलब क्या कि इसने डॉबिनियर ने क्या बोला कि अपने पास जो एलिमेंट्स है ना, उनकी जो मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, जैसे आपने देखा था अपने पास उस टेबल के अंदर कहीं पर Li लिखा था, कहीं पर Na लिखा था, कहीं पर K लिखा हुआ था, कहीं पर Cl लिखा हुआ था, तो वो एलिमेंट है। तो उसने क्या बोला, ये जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ना, वो उनके एटॉमिक जो मासेस हैं उनसे कुछ रिलेटेड है अपने पास यहाँ पर, ऐसा डॉबिनियर ने बताया अपने पास यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपने पास पहला पॉइंट था इसका कि ही सजेस्टेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू द एटॉमिक मासेस अपने पास यहाँ पर सबसे डॉबिनियर ने ये बताया। फिर डॉबिनियर थोड़ा आगे गया, उसने क्या बोला अपने पास यहाँ पर, उसने अपने जो उसने मतलब दिया था रीजन कैसे उसने अपने पास एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, उसने बताया कि उसने कैसे किया, वो अपन यहाँ पर देखते हैं। तो जो डॉबिनियर है मेरे पास यहाँ पर साइंटिस्ट था, इसने बेसिकली तीन एलिमेंट को लिया अपने पास यहाँ पर, इसने अपने पास क्या किया तीन एलिमेंट को लिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसने क्या किया बेसिकली, इसने तीन एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं अपने पास यहाँ पर मैं कोई तीन एलिमेंट को लेता हूँ, और उसने कैसे इसको क्लासिफाई किया अपने पास, कैसे बताया अपने पास यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज को एलिमेंट्स की, वही देखते हैं अपने पास यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो आपकी बुक में भी दिया होगा अपने पास यहाँ पर लिथियम सोडियम और पोटेशियम का अपने पास यहाँ पर, देखा आपने यहाँ पर कि बुक में भी दिया होगा तीन एलिमेंट, तभी तो हमने बोले कि उसने तीन एलिमेंट्स को लिया और फिर उसमें प्रॉपर्टी अपने पास बताई, वैसे फिर तीन एलिमेंट को लिया फिर प्रॉपर्टी बताई, फिर तीन एलिमेंट को लिया फिर उनकी प्रॉपर्टी बताई, वही अपने पास यहाँ पर डॉबिनियर ने किया था। अब जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ कि उसने कैसे किया था अपने पास तीन एलिमेंट्स को लेकर, तीन एलिमेंट्स लिया था उसने, इसीलिए उसका यहाँ पर नाम पड़ा ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब ही होता है तीन, इसलिए हमने उसको बोलते हैं जो बुक में लिखा होता है डॉबिनियर, मतलब ये साइंटिस्ट था जिसने अपने पास यहाँ पर ट्रेड्स तीन एलिमेंट्स को लेकर इसने कैसे क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को, वही यहाँ पर बताया अपने पास यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं अपने पास यहाँ पर कैसे क्लासिफाई किया। तो उसने, मैंने आपको क्या बोला था, उसने क्या बोला था, ही सजेस्टेड दैट दी प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस, उसने ऐसा बोला था। तो यहाँ पर अपन देखते हैं एटॉमिक मासेस, देखते हैं अपने पास यहाँ पर इनका, अपने पास यहाँ पर उसने कैसे क्लासिफाई किया। तो सपोज अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 6.9 अपने पास यहाँ पर, एटॉमिक मास अपने पास यहाँ पर 6.9 होता है अपने पास यहाँ पर। सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 अपने पास होता है, और जो इसका होता है इसका कुछ 39.1 अपने पास होता है एटॉमिक मास, किसका, पोटेशियम का। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना अपने पास यहाँ पर लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये अपने पास एक्चुअल में उसका नाम है जिसको हम लोग, ये जो एलिमेंट है ना इसका नाम असली नाम क्या है Na, इसको क्या बोलते हैं सोडियम बोलते हैं, लिथियम को Li, लिथियम को जो हम बोलते हैं उसको Li से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पोटेशियम है उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, बस वही अपने पास यहाँ पर उसको अल्फाबेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है एलिमेंट्स को, ठीक है। तो हम क्या बात करते हैं, डॉबिनियर ने तीन एलिमेंट्स को लिया और उसने एटॉमिक मास को रिलेट करके बताया था डॉबिनियर ने। देखिए कैसे, इसका एटॉमिक मास क्या है 6.9, इसका मास है 23, इसका मास है 39.1 अपने पास यहाँ पर। तो इसने क्या बोला कि ही स्टेटेड दैट द एटॉमिक मासेस ऑफ द मिडल एलिमेंट, ऑफ द मिडल एलिमेंट मतलब जो बीच का एलिमेंट है, इज द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द नेक्स्ट अदर एलिमेंट, की नेक्स्ट जो अपने पास यहाँ पर ये जो नेक्स्ट इसके जो बाजू में एलिमेंट्स है इनका जो एटॉमिक मास का जब हम मीन करते हैं, मीन क्या होता है, मीन निकालते हैं अपने पास यहाँ पर, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज का अगर मुझे मीन निकालना है, सपोज अगर कोई अपने पास यहाँ पर ए दिया हुआ, सपोज अगर मैं मान लूँ कि ये अपने पास क्या है ए है, ये अपने पास यहाँ पर बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया, तो अगर मुझे मीन निकालना है इसका, सपोज मुझे इसका और इसका मीन निकालना है,
तो कैसे निकालेंगे अपने पास यहाँ पर मीन निकालते हैं अपने पास यहाँ पर a प्लस सी डिवाइड बाई टू करते हैं अपने पास यहाँ पर मीन निकालने के लिए। वैसे ही अपने पास यहाँ पर डॉबिन ने क्या बोला कि द एटोमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द मीन ऑफ द एटोमिक मासेस ऑफ द नेक्स्ट अदर टू एलिमेंट्स। तो वही अपने पास यहाँ पर इसने किया डोबिनियन ने कि इसने क्या बोला कि इस ये जो एलिमेंट है इसका एटोमिक मास क्या है, लिथियम का एटोमिक मास 6.9 है। तो ये क्या हो गया अपने पास यहाँ पर 6.9 अपने पास हो गया प्लस अपने पास यहाँ पर देखे ये सी अपने पास यहाँ पर जिसका 39.1 इसका एटोमिक मास है पोटेशियम का, तो ये कितना हो गया 39.1 डिवाइडेड बाई 2 अपने पास यहाँ पर किया। तो इसको अपने पास यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका अप्रोक्स जो वैल्यू अपने पास यहाँ पर कितनी आएगी वो आएगी 23 अपने पास आ जाती है। क्या आती है 23 आती है अपने पास यहाँ पर। अब देखो ये 23 इसकी वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ पर और देखो जो मेडल एलिमेंट है उसका भी एटोमिक मास कितना है 23 है अपने पास यहाँ पर। तो ऐसे अपने पास यहाँ पर डॉबिनियर के दिमाग में कुछ मतलब बोलते ना वो कुछ पकड़ा बोला कि ये कुछ तो हो रहा है इसके अंदर, कुछ देखना पड़ेगा मुझे, मैं वो कुछ करना पड़ेगा। तो उसने ऐसे लेके अपने पास देखा कि इसका इन दोनों का जब मैंने मीन किया इनका एटॉमिक मास का तो बीच वाला जो एलिमेंट है उसके बराबर आया। वैसे सिमिलर अपने पास यहाँ पर उसने एक और एग्जांपल देखा अपने पास यहाँ पर, कौन सा एग्जांपल उसने लिया डॉबिनियर ने, उसने एग्जांपल लिया सपोज मैं बताता हूँ कौन सा उसने एग्जांपल लिया नेक्स्ट। देखिए एग्जांपल देखिए उसने कौन सा लिया, अब उसने अपने पास यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया कौन सा अपने पास यहाँ पर कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। इसको हम लोग सीओ क्या बोलते हैं, सीओ को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम, एस आर को हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्शियम बोलते हैं और बी को अपन क्या बोलते हैं बेरियम बोलते हैं। अब अगर मैं इनका एटॉमिक मास देखूं कितना होगा इसका एटॉमिक मास, तो कैल्शियम का जो होता है वो होता है 40.1 होता है अपने पास यहाँ पर और ऐसा कुछ होता है अपने पास यहाँ पर 137 अप्रोक्स मेरे पास यहाँ पर 3 होता है। और जो स्ट्रॉन्शियम का जो अपने पास एटॉमिक अपने पास मास होता है वो कुछ होता है अपने पास यहाँ पर 87.6 अपने पास क्या होता है स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास होता है। तो देखते हैं अपने पास यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर यूज की ना फिर से इसको यूज करते हैं अपने पास यहाँ पर और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला उसने क्या बताया द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट जो है उनका मीन है। निकालते हैं मीन अपने आप, आपको बताया मैंने कि अगर आपको मीन निकालना है किसी भी चीज का सपोज इसका निकालना था, मैंने इसका मास लिया तो इसका मास लिया डिवाइड बाई टू कर दिया अपने पास यहाँ पर वहां पर नहीं, ये अपने पास का मीन निकल गया अपने पास। वैसे ही अगर मैं इसको अपने पास लेकर करूँ तो देखिए कैसे करेंगे आप, इसका जो अपने पास यहाँ पर मास होगा क्या होगा 14.1 प्लस जो इसका मास होगा अपने पास यहाँ पर 137.3 अपॉन करेंगे अपने पास यहाँ पर इसको 2 से। जब इसको अप्रोक्स आप सॉल्व करोगे अपने पास यहाँ पर तो जिसकी वैल्यू अपने पास यहाँ पर आएगी वो कुछ आएगी 88.7 के आसपास। देखो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ रही लेकिन उसके आसपास की वैल्यू आ रही है अपने पास यहाँ पर। तो वैसे ही अपने पास डॉबिनियर ने कुछ लगाया, उसने दिमाग लगाया बोला कि ऐसा कुछ तो हो रहा है कि जो एटॉमिक मास है मिडल एलिमेंट का वो अपने पास जब मीन निकालता हूँ नेक्स्ट अदर एलिमेंट का तो उनसे कुछ मैच कर रहा है। देखो किसी केसेस में क्या होगा आपको एग्जैक्ट आएगा, जैसे यहाँ पर आया 23 यहाँ पर आया इसका भी मास डिवाइडिंग मास 23 है। वैसे लेकिन अपने पास कुछ केस में ऐसे होगा कि कहीं पर आपका 80 यहाँ पर देखो 88.7 आ गया यहाँ पर कितना है 87.6 आ गया। तो ऐसे मतलब उसके आसपास की वैल्यू आएगी अपने पास यहाँ पर, ऐसा उसने देखा अपने पास यहाँ पर। आपके बुक में एक और एग्जांपल दिया होगा क्लोरीन का, फ्लोरीन का और ब्रोमीन का, आप उसको ट्राई करिएगा और देखिएगा आपका आंसर आता है कि नहीं आता इस मेथड से करते जैसे मैं आपको मैंने बताया है। आप वैसे ट्राई करिए और उसको देखिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस यही तो चीज थी अपने पास जो डॉबिनियर ऐसे कर कुछ अपने पास कुछ एक पर्टिकुलर टाइप तक पर्टिकुलर रेंज तक ही पहुंचा एलिमेंट्स के, लेकिन देखा कि उसने कुछ टाइम के बाद जो एलिमेंट उसने देखा उनमें तो ये चीज हो ही नहीं रही थी। अब क्या करता है बेचारा, बोला अब तो मैं फंस गया मैं क्या करूं। तो बोलते हैं ना कि अगर मैंने कुछ गलती की दूसरे लोग तो आएंगे उंगली करने के लिए, तो वैसे ही अपने पास जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो लोग उंगली करने लगे, बोले कि नहीं बेटा तुमने यहाँ का तो सही किया लेकिन इसके बाद तुम्हारा गलत है, तुम कैसे इसको बता सकते हो कि मैंने जो किया वो सही है। तो ऐसे ही अपने पास यहाँ पर क्या हुआ जो इसने जो बताया था उसको मतलब रिजेक्ट कर दिया गया, बोला तुमने जो बताया है वो गलत है, ये बिल्कुल गलत है जो तुमने बताया, क्योंकि इसका क्या था देखो यही डीमेरिट है, डीमेरिट डिसएडवांटेज एक ही चीज होता है अपने पास यहाँ पर। मतलब इसका डीमेरिट क्या था वही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि डीमेरिट का मतलब क्या था इसका कि ये अपने पास कुछ सर्टेन एलिमेंट्स तक ही गया, उसके बाद इसने जो बताया था कि द एटॉमिक मासेस ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द नेक्स्ट अदर टू एलिमेंट्स जो होता है वो अपने पास फॉलो नहीं करा था, कुछ एक पर्टिकुलर टाइप मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट तक ही किया उसके पास फॉलो ही नहीं किया, ये उसका डीमेरिट था। जो आपसे बोर्ड में पूछता है कि डिफाइन डोबिनियर ट्रेस, देखो मैंने आपको पहले बताया कि आप बुक में खोलोगे बुक में पढ़ोगे साला पढ़ूंगा रटूंगा फिर उसको पूछना मैं फिर भूल जाऊंगा, नहीं आप समझिए अपने पास यहाँ पर सिंपल है डोबिनियर क्या बोला आपको दो लाइन लिखनी है, ही सजेस्टेड
दैट एटॉमिक मास उसने क्या बोला कि सिंपल सा ही सजेस्टेड दैट एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द नेक्स्ट अदर टू एलिमेंट. आप जब भी इतना ही अगर आप लाइन लिख दोगे ना डोमिनेंट रेट में आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, कोई टेंशन नहीं, आप नंबर नहीं देगा आपको, क्योंकि साइंस है. साइंस आप अपने अपने भाषा में भी लिखोगे और अगर सही जो उसको चाहिए उसको मिल गया एग्जामिनर को तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने पास. यहाँ पर बस यही अपने पास क्या था जो मैं आपको बताया डोमिनेंट रेस. अब इसके बाद देखते हैं अपने पास यहाँ पर जो अगला अपने पास यहाँ पर क्लास चलेगी उसमें हम लोग क्या देखेंगे. हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अपने पास यहाँ पर अब जो इसने बताया वो तो अपने पास सही नहीं था, तो दूसरा साइंटिस्ट है. अब उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया वो न्यूलैंड आया. न्यूलैंड जो आपने बुक में देखा होगा लिखा होगा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसमें भी देखिए न्यूलैंड्स उसका नाम है लेकिन सर ऑक्टेव क्यों लिखा है. साइंस आपको डरा रहा है जानबूझ के कि बच्चा डरेगा, पक्का डरेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है क्योंकि हम लोग क्या हम अच्छे से पढ़ेंगे साइंस को और बिना रटे हम लोग अपने पास बोर्ड में नंबर लाएंगे. तो हम देखेंगे अपने अगली वीडियो में कि मेरे पास यहाँ पर न्यूलैंड्स का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो क्या होता है, उसके मेरिट क्या है, उसके डीमेरिट्स क्या है अपने पास यहाँ पर वो देखेंगे अपने पास यहाँ पर, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये मैं आपको बताया डोमिनेंट रेट ये मिनिमम 2 से 3 नंबर के लिए आता है. अगर ये चैप्टर से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो इस पे पहला फोकस करेगा, या फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, या फिर हम लोग जो आगे और देखेंगे मेंडेलीफ का पीरियोडिक टेबल वो देखेंगे अपने पास यहाँ पर, उस पर फोकस करेगा. तो इसी तरह हम क्या करते हैं अपने पास यहाँ पर अगले वीडियो में लेकर आएंगे न्यूलैंड्स का जो लॉ है ऑफ ऑक्टेव्स उसके बारे में हम देखेंगे, उसका मेरिट्स पढ़ेंगे, डीमेरिट्स पढ़ेंगे, अपने साइंस को और स्ट्रॉन्ग करेंगे.